हेलो दोस्तों, टीवी सीरियल पिशाचनी में अब तक आपने देखा कविता और रॉकी मिलकर रानी को महापिशाचनी बनने से रोक लेते हैं और रानी के महापिशाचनी ताज को भी तोड़ देते हैं। तो अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे तो जैसे ही रानी का खेल खत्म होता है तभी अदृश्य हुआ रॉकी भी सामने आ जाता है। कविता जो है खुशी के मारे रॉकी को गले लगा लेती है, तो वही रानी जो है क्रोध में आ जाती है और वो तुरंत वहां से गायब होकर पाताल अग्नि में पहुंच जाती है। रानी की हुई हार के कारण उसके जो महापिशाच होते हैं वो रानी को दंड भी देते हैं। तो वही अमृता प्रतीक दादू रानी के गुस्से को देखकर डर जाते हैं। उसके बाद सभी घरवाले जो है होश में आ जाते हैं और अपनी बेहोशी का कारण पूछते हैं, जिसमें सब एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या हुआ था। अमृता प्रतीक जो है उन्हें झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। रॉकी क्रोध में आकर रानी का नाम लेने की कोशिश करता है, लेकिन पवित्रा जो है रॉकी का हाथ पकड़ लेती है, उसे अभी कुछ भी ना बताने की मना करती है। पवित्रा सभी घर वालों को झूठ बोल देती है कि दूषित गैस के कारण हम यहाँ पर बेहोश हो गए थे। उसके बाद जैसे ही सभी घर वाले वहाँ से जाने लगते हैं, रॉकी अपने दादू को रोक लेता है। दादू जो है रॉकी को देखकर इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन अमृता प्रतीक ने उनके मन में कड़वाहट भर रखी है, जिसके कारण उनका पिशाच रूप बाहर आ जाता है और वो बहुत जोरों से हंसने लगते हैं। रॉकी को दादू का पिशाच रूप देख के बहुत दुख होता है। साथ ही रॉकी को इस बात का भी पछतावा होता है, आखिरकार उसने पवित्रा की बात को क्यों नहीं माना। दोस्तों अब केवल इस बात का इंतजार है कि घर वालों के सामने रानी की सच्चाई कब आएगी। दोस्तों आगे आने वाली इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।